अस्सलाम वालेकुम। आप भी इस तरह के इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं जो कि लोगों को भी लुभाएं और आपके कंटेंट के लिए बहुत अच्छे साबित हों, तो आप मिड जर्नी और डिस्कार्ड का कम्बिनेशन बना के इजीली इनके ऊपर काम करके इजीली इस तरह के इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाऊं अ पिक्चर ऑफ द हाउस इन द ओशियन एंड वाटर फ्लोज ऑन द रूफ ऑफ द हाउस एंड स्काई शुड बी ग्रीन एंड ब्लू। तो इसके ऊपर मुझे जो रिजल्ट आया वो इस तरह का रिजल्ट आया। जब मैंने लिखा अ ओल्ड मैन स्विमिंग इन द ओशियन, स्काई शुड बी क्लाउडी, वाटर फ्लोज ऑन द ओल्ड मैन हेड, तो इसके कम्बिनेशन में या इसके क्यूरी के ऊपर मुझे जो जवाब मिला वो इस तरह का इमेज इसने प्रोवाइड किया। जब मैंने ये लिखा अ बॉय प्लेइंग बास्केटबॉल एंड कैट शुड बी देयर, सम डॉग्स कैचिंग टू द कैट, तो यहाँ पे इस तरह का इमेज मुझे जो है ना इस तरह का प्रोवाइड किया गया। अ लायन ईटिंग एलिफेंट इन द जंगल, स्काई वॉज क्लियर एंड ट्रीज शुड बी ग्रीन। तो यहाँ पे देखें जिस तरह की मैंने यहाँ पे टेक्स्ट या क्यूरी डाली उस तरह का मुझे रिजल्ट मिला। अगर नीचे आऊँ मजीद, मैंने लिखा अ फीमेल इन द ब्राइट क्लोथ एंड विद हर हस्बैंड सिटिंग ऑन द बेड, हस्बैंड रिमूविंग क्लोथ फ्रॉम हर वाइफ फ्रॉम हर हाउस सॉरी फेस। तो यहाँ पे देखें वो उसके चेहरे से कपड़ा हटा रहा है। तो इस तरह जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्यूरी डाली उसी तरह से मुझे जो है ना इस मिड जर्नी से रिस्पॉन्ड आया। तो यहाँ पे मैंने लिखा अ लिटिल बेबी क्राइंग बिफोर द लायन, जंगल ऑल अराउंड। तो यहाँ पे देखें लिटिल बेबी रो रहा है और उसके सामने पीछे शेर है, यानी कि बिफोर द लायन लिखा मैंने आगे, यानी कि शेर के आगे रो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के इमेजेस इसने प्रोवाइड किए। मजीद मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रखा था वो मैंने जब इसको दिया, इसने इस तरह की इमेज मुझे जो है ना प्रोवाइड करके दे दी। अगर आप भी इस तरह की AI जनरेटेड इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके आप इस तरह का लिख दें ताकि आपको इस तरह की एक प्रोफेशनल इमेज मिल सके। तो आपने इस तरह के इमेजेस लेने कहाँ से हैं, किस तरह से लेने हैं? यहाँ पे मैंने लिखा फोटो ऑफ ताजमहल, कलर येलो ग्रीन विद स्टारी एंड सनी। तो यहाँ पे मुझे ताजमहल का जो इमेज है वो मिला। अभी मजीद मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च करता हूँ। यहाँ पे सर्च करने के लिए आपने यहाँ पे स्लैश देना है। स्लैश देने के बाद यहाँ पे इमेजिन प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपनी क्यूरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आ पर्सन एडिटिंग वीडियोज ऑन द लैपटॉप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा लैपटॉप हाउस फुल विद पीपल गैदरिंग एंड दे ऑल बिजी, सॉरी BUSY बिजी स्टडिंग। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लिखें। यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वेटिंग टू स्टार्ट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देगा, उसके बाद आप अपने मर्जी का यानी कि आप जवाब यहाँ पे हासिल कर सकेंगे। ये आपको 1 मिनट से पहले प्रोवाइड कर देता होता है। कोशिश होती है कि इसको 50 सेकंड से पहले जो है ना, यानी कि 50 सेकंड मैक्सिमम लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसने मुझे एक ऐसा रियलिस्टिक इमेज प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देखें हाउस है और यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं। और अगर मजीद मैं इसको इस तरह से ओपन करूँ दोबारा, इसका V4 वर्जन, तो यहाँ पे देखें रियलिस्टिक लग रहा है और प्रोफेशनल लग रहा है। तो आप भी इस तरह के इमेजेस खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इजीली इन इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। बस आपका जहन काम करना चाहिए कि मुझे जो है ना किस तरह का स्केच चाहिए। अगर आपको ये स्केच फिर पसंद आता है तो आपने राइट क्लिक करके सेव इमेज एज के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना है।
यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस सेव भी किए हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखें, हो सकती, यहाँ पे देखें कितनी रियलिस्टिक इमेजेस लग रहे हैं, और 8K तक, यानी कि आप इस इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। 8K यानी कि आपके ये पिक्सल भी नहीं फटेंगे और आपकी फुल HD क्वालिटी होगी, जो कि आपको कंटेंट को कभी भी मसला नहीं देगी। आपका कंटेंट HD क्वालिटी से भी बड़ा, 8K यानी कि बहुत बड़ी एक होती है आपके इमेज के लिए एक्सटेंशन। आप उसको अच्छा एक इमेज बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर अपने DSLR का रिजल्ट दिखाऊं तो इस तरह का ये रिजल्ट आ रहा है। तो वहां पे भी आपने उस इमेज को भी देखा और यहाँ पे DSLR का रिजल्ट भी देखा, तो कैसा लग रहा है आपको? आपने मुझे बताना है कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से हमें इमेजेस प्रोवाइड करती है और वो वाली टेक्नोलॉजी किस तरह से हमें इमेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए, इसके टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है, और वहाँ पे अगर DSLR वाली टेक्नोलॉजी को देखते, इतना इमेज अच्छा नहीं लग रहा। कहने का मकसद ये है कि आप अपना मर्जी का इमेज यहाँ पे इजीली बना सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कमा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।